महिला उप निरीक्षक की थाने के आगे कैंटर की टक्कर से हुई मौत। चंपावत जिले के बनबसा से एक दुखद खबर सामने आई है। बनबसा थाने में तैनात महिला उप निरीक्षक विजयलक्ष्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब महिला उप निरीक्षक विजयलक्ष्मी दोपहर 2 बजे के समय बनबसा थाने के बाहर खड़ी थी। उसी वक्त तेज रफ्तार में आ रहे कैंटर ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला उप निरीक्षक के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना मिलने पर बनबसा थाना अध्यक्ष व अन्य कर्मी द्वारा उन्हें टनकपुर चिकित्सालय इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला उप निरीक्षक को टक्कर मारने वाले कैंटर चालक ने थाने के बाहर खड़ी स्कूटी व कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद बनबसा थाना पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर कैंटर को सीज कर दिया है। वहीं महिला उप निरीक्षक को कैंटर वाहन द्वारा टक्कर मारने का CCTV फुटेज भी अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह कैंटर चालक ने सड़क पर खड़ी महिला उप निरीक्षक को टक्कर मार दी। हम आपको बता दें कि दिवंगत महिला उप निरीक्षक विजयलक्ष्मी बनबसा के ही फाकपुर ग्राम की निवासी थी, साथ ही पुलिस सेवा से वर्ष 2022 में ही रिटायर होने वाली थी। वर्तमान में यह बनबसा थाने में अपनी सेवाएं दे रही थी। महिला उप निरीक्षक विजयलक्ष्मी की आकस्मिक मौत के बाद जहां बनबसा थाने में शोक का माहौल है, वहीं महिला SI विजयलक्ष्मी की आकस्मिक मृत्यु पर SP चंपावत देवेंद्र पिंचा, CO अविनाश वर्मा, बनबसा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण जगवान, बनबसा थाना कर्मियों, अभिसूचना इकाई बनबसा, व्यापार मंडल व स्थानीय जनप्रतिनिधियों में शोक व्यक्त किया है। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। साथ ही मृतक SI विजयलक्ष्मी की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला SI अपने पीछे 2 बेटी और 1 बेटे सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं।